हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विंटर स्पेशल हेल्दी और टेस्टी मेथी बाजरी का ढेबरा बनाएंगे। काठियावाड़ी स्पेशल ये रेसिपी है। तो मेथी बाजरी का ढेबरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश ताजी मेथी लिया है। तो ये मेथी को हमने साफ करके धो लिया है। धोने के बाद हम ये मेथी को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ढेर सारी मेथी डाल के हम ढेबरा बनाएंगे और ये ढेबरा खाने में हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और ठंडियों की सीजन में स्पेशल बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने मेथी को एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए ढेबरा बनाने के लिए हम डो की तैयारी करेंगे। तो लिया है बाजरी का आटा। तो 3 कप बाजरी का आटा से हम ढेबरा बनाएंगे। तो जितना हमने आटा लिया है उसके सामने हमने उतनी मेथी लिया है, अराउंड 3 कप जितनी फ्रेश मेथी है। तो चलिए हम उसमें मसाला भी डाल देते हैं। तो 3 कप कट किया हुआ डालेंगे फ्रेश मेथी। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश लहसुन का पत्ता। अगर आपके पास ज्यादा फ्रेश लहसुन है तो ज्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद सूखा वाला लहसुन, उसके बाद कटी हुई हरी मिर्ची, उसके बाद कट किया हुआ फ्रेश धनिया। उसके बाद डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितना व्हाइट तिल। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून जितना डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग डालेंगे। अच्छे से मसाला इन आटा को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह से हम बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, उसका डो हम कैसे तैयार करते हैं वैसा ही तैयार करना है। 2 से 3 मिनट तक हम डो को मस लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो रेडी करेंगे। तो ये ढेबरा सुबह के नाश्ते में, डिनर में भी बना सकते हो और ये ढेबरा के साथ सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेला गर्मा गर्म मेथी का ढेबरा हो और उसके साथ ठंडी ठंडी छाछ या दही हो, खाने की मजा ही आ जाती है। तो सिर्फ ढेबरा बना लिया है तो आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो या रात का डिनर हो ही जाता है। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक ये डो को अच्छे से मसल के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम उसमें से मीडियम साइज का बोल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना डो बनाया था ना, उसमें से हमने बोल्स बना लिया है। तो चलिए हम ढेबरा बनाने के लिए एक प्लास्टिक की बैग लेंगे। उसके ऊपर हम बाजरी का सूखा आटा डालेंगे। उसके बाद हम एक ढेबरा का बोल्स रख देंगे, उसके ऊपर हम दूसरी बैग रखेंगे। तो इस तरह से प्लास्टिक की बैग पर ढेबरा बेलने से ढेबरा चकले पर चिपकता भी नहीं है और फटता भी नहीं है और एकदम इजी से बन जाता है। अगर आपको प्लास्टिक की बैग यूज नहीं करना है तो डायरेक्टली चकले पर बाजरी का ड्राई आटा डाल के भी आप बेल सकते हो, बट आटा ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने प्लास्टिक की बैग लिया है और ये बैग के ऊपर फटाफट हम बेल सकते हैं। अगर आपको बाजरी का ढेबरा हाथ से बनाना आता है तो भी बना सकते हो, बट मैं आपको ये इजी तरीके से बता रही हूँ ताकि बेलने में भी इजी रहे। तो इस तरह से ढेबरा बेल के हम ढेबरा को शेकेंगे। तो दूसरी साइड मैंने इलेक्ट्रॉनिक ग्रिल गरम करने के लिए रख दिया है, तो वो भी अच्छी खासी गरम हो गई है। तो चलिए हम ढेबरा को शेक लेते हैं। तो एक साइड हमारा ढेबरा रेडी हो गया है। तो ढेबरा को पलट के उसके ऊपर हम अच्छा खासा तेल लगा के गोल्डन ब्राउन होने तक हम ढेबरा को शेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रिल लिया है तो मीडियम आंच पर मैं शेक रही हूँ। अगर आप तवे पर शेकने वाले हैं तो गैस की फ्लेम मीडियम रखें, तो उससे ढेबरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी होगा। नहीं तो हाई फ्लेम पर ढेबरा को शेकेंगे तो बीच में कच्चा रहेगा और फटाफट जल जाएगा। तो आप गैस की फ्लेम मीडियम रख के मीडियम पर ये ढेबरा को शेक लेना है।
तो इस तरह से ढेबरा को शेक के हम दूसरा ढेबरा भी एक ग्रिल पर शेक लेते हैं। तो ये साइड हमारा दो ढिबरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो ये ढिबरा को हम ले लेते हैं और इस तरह से हम दूसरा ढिबरा को शेक के भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।